स्कोपोलामाइन मूल रूप से एक सिंथेटिक ड्रग है। चिकित्सा विज्ञान में दवा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतली, मोशन सिकनेस एक कुछ मामलों में ऑपरेशन के बाद रोगियों के लिए दवाएं बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। इसे प्राकृतिक चीजों में और कुछ सामग्री मिलाकर कृत्रिम तरीके से स्कोपोलामाइन तैयार किया जाता है। ये लिक्विड और पाउडर दोनों ही रूपों में मिल जाता है। इसे तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण या मूल घटक धतूरे के फूल से मिलता है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग ने मुक्त रासायनिक प्रशिक्षण डॉक्टर दुलाल कृष्ण ने कहा है कि देश में इस दौरान लोगों को पागल बनाने के लिए दूध में धतूरा पीस कर पिला दिया जाता था। धतूरे का फूल एक किस्म का जहर है। इससे कुछ हिस्सा निकाल कर सिंथेटिक तरीके से स्कोपोलामाइन तैयार किया जाता है। मैक्सिको में नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले गिरोह इस नशीली दवा को बनाकर पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। अब इससे एक और घटनाक्रम सामने आया है। इससे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिससे लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश में भी डेविल ब्रीथ नामक दवा से ठगी की जा रही है, जिसे सूंघने पर लोग पैसा और जेवर लूट कर भाग जाते हैं।